आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान असद कयानी। नाजरीन, आज हम ऑफिस चाइल्ड प्रोडक्शन में मौजूद हैं और यहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब सैयद अली अब्बद नकवी साहब के पास, और आज इनसे चाइल्ड प्रोडक्शन के हवाले से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइल्ड प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी जो है, ये चाइल्ड प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब का एक ज़ैली इदारा है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे 2008 से काम कर रहा है। ये इसकी अगर हम बुनियाद के हवाले से बात करें तो चाइल्ड प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब में 2004 में एक कानून पास हुआ था, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट। उस एक्ट में ये लिखा गया था कि जो बच्चे सड़कों के ऊपर लावारिस होते हैं, घर से भागे हुए होते हैं, या बैगिंग में इन्वॉल्व किए जाते हैं, या समाज दुश्मन अनासर उनको अपने मजमून मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए इस्तेसाल का शिकार बनाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए एक इदारा कायम किया जाएगा जो कि इनकी प्रोटेक्शन और बहाली के लिए काम करेगा। उस इदारे का नाम उसमें एक्ट में लिखा गया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो उस इदारे का नाम होगा। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2015 को ये बाकायदा लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का इदारा कायम किया गया, और उसकी कामयाबी को देखते हुए 2007 में मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद के ऑफिस कायम किए गए, और मीन वाइल फिर इसको पंजाब के दिग्गज डिवीजनल जो हेडक्वार्टर थे वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, और रिसेंटली चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब के 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में अभी कायम है, और पूरे पंजाब में चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 फंक्शनल है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पूरे पंजाब में एक्टिव है, जिसके ऊपर किसी भी भीख मांगते बच्चे की इतला, लावारिस बच्चे की इतला, या किसी भी तरीके से कोई बच्चा जुल्म का शिकार हो तो उसकी राउंड द क्लाक 24 घंटे 1121 पे इतला दे के उस बच्चे की ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सकता है और उसकी बहाली में किरदार अदा किया जा सकता है। तो इसके काम करने के तरीके के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो रूटीन के रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं सिटी एरियाज़ में। वहाँ पे 15 साल से छोटा जो भी बच्चा किसी सिटी एरिया में, बाज़ार में, मार्केट में, चौराहों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर और बड़े बड़े तजारती मराकज़ पे जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, उन बच्चों को अगर हमारी टीम देखती है, हमारी टीम के मुशाहदे में ऐसे बच्चे आते हैं 15 साल से छोटे, उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है, और फिर उनको रेस्क्यू करने के बाद हिफाजती तहवील में लेने के बाद उन बच्चों को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में एक हॉस्टल मौजूद है जहाँ पे इन बच्चों को रखा जाता है, वो बच्चे माशरे का फाल फर्द के तौर पे फिर सामने आ सकें। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने जो भी बच्चे रेस्क्यू किए होते हैं उनको 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नंबर 1 होंगे उनकी अदालत हाई कोर्ट की तरफ से डेजिग्नेटेड होती है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के तौर पे वो काम करेंगे। तो हमने 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी बच्चा हम रेस्क्यू करते हैं, हिफाजती तहवील में लेते हैं उसको बहाल करने के लिए, हमने 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी इनिशियल हेल्थ असेसमेंट, इनिशियल साइकोलॉजिकल असेसमेंट और उनकी सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट के साथ हमने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश करते हैं, जिनको हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट भी कहते हैं। उनकी अदालत में उन बच्चों को पेश किया जाता है ताकि उनकी लीगल कस्टडी ली जा सके। तो अब तक हमने शुरू से लेकर अब तक जो कि 2008 में हमने इस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रावलपिंडी को स्टार्ट किया, तब से लेके अब तक हमने 7200 बच्चे को यहाँ पे हिफाजती तहवील में लिया है, और यहाँ पे 70 बच्चे को रखने की कैपेसिटी मौजूद है। हमारे पास 70 बेड की यहाँ पे कैपेसिटी मौजूद है, और प्रेजेंटली हमारे पास 58 बच्चा आज की डेट में यहाँ पे मौजूद है, जिनकी बहाली के लिए, उनकी रहाइश के लिए और यहाँ पर उनकी तालीम के लिए यहाँ पर इकदाम किए जाते हैं, और उनको उनकी फैमिली के साथ बहाल करने के लिए यहाँ पे लायामल को तश्कील दिया जाता है ताकि उनको बेहतर शहरी के तौर पे मुस्तकबिल में सामने लाया जा सके।
आपके पास जो बच्चे हैं उसमें अगर कोई बच्चा तालीम हासिल करना चाहे या कोई हुनर हासिल करना चाहे तो वो सिस्टम भी आपके पास है? बिल्कुल, जो भी बच्चे हम रेस्क्यू करके लाते हैं हमारे इस चार दीवारी के अंदर ही, इस दफ्तर के अंदर ही उनका रेजिडेंशियल ब्लॉक भी है जिसमें हम उनकी रिहायशी तमाम सहूलियात उनको मैसर हैं। इसके साथ साथ इसी चार दीवारी में फिफ्थ क्लास तक, पाँचवीं क्लास तक एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक मंजूरशुदा स्कूल है जिसमें हम इनको प्राइमरी तक, पाँचवीं तक तालीम देते हैं। इनमें से जो हम सड़क से इन बच्चों को, हम स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, तो सड़क से जब इन बच्चों को हम रेस्क्यू करके लाते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ना पस मंज़र नहीं होता एजुकेशन का, उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होता, कभी स्कूल नहीं गए होते, उनको ये भी नहीं पता होता कि कलम क्या है, कापी क्या है, किताब क्या है। उन बच्चों को फिर हम गैर रस्मी तरीके से तालीम की तरफ रागब करने की कोशिश करते हैं कि जितना स्टे यहाँ पे करें तो कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने के काबिल हो सकें, ताकि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। और इनमें से बहुत सारे बच्चों की ऐसी तादाद भी होती है जो कि पढ़ने का शौक़ रखते हैं या किसी मजबूरी की वजह से तीसरी से छोड़ गए, चौथी से छोड़ गए, तो उनको हम इधर यहाँ पर ला के कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं ताकि फिफ्थ तक यहाँ पर तालीम मुकम्मल करें। और उसके बाद भी अगर बच्चा हमारे पास रह जाता किसी वजह से, लावारिस होने की वजह से या फैमिली की माशी तंगदस्ती की वजह से अगर बच्चा हमारे पास रह जाता है तो फिफ्थ के बाद भी हम उसको कंटिन्यू करवाते हैं, आगे मेन स्ट्रीम स्कूल में उनको दाखिल करवाते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अच्छा नबी साहब, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी इसमें है आपके पास? हमारे पास विद इन प्रीमिसेस टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है ना, वोकेशन ट्रेनिंग जो अथॉरिटी है उनके साथ हमारा हेड ऑफिस में एस्टेब्लिश हो चुका है। नबी साहब, ये बताएँ कि भीख मांगने वाले बच्चों के वालदैन अगर आपसे रब्ता करें तो क्या आप उनको बच्चे वापस कर देते हैं? तो अगर वापस कर देते हैं तो फिर वो दोबारा अगर वो भीख मांगना शुरू कर दें तो उस वाले से फिर आपका क्या रद्दअमल होगा, क्या करेंगे फिर आप? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का जो पूरा मॉडल है वो एक एक्ट के ऊपर है, एक्ट के ऊपर ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दफ्तर कायम है। उस एक्ट में ये लिखा गया है कि जो भी बच्चा भीख मांगता हुआ या रेस्क्यू किया जाता है फिर उसके पीछे उसके मुहरकात जानने की कोशिश की जाती है कि उससे कौन भीख मंगवा रहा है, कोई ग्रोह है या उसके वालदैन है। तो इस एक्ट में ये लिखा गया है कि जो ग्रोह या वालदैन या कोई भी शख्स बच्चों को भीख मांगने के लिए उकसाता है या उनको मजबूर करता है उसको 5 साल तक इस एक्ट के तहत सजा हो सकती है और 3 साल तक कैद हो सकती है। पैगाम देना चाहें इसमें? जी बिल्कुल, हम आवाम को यही पैगाम देते हैं कि कोई बच्चा, कोई भी लावारिस बच्चा या कोई भीख मांगता बच्चा अगर आपको नज़र आए तो उसकी इतला हमारी हेल्पलाइन 1121 पे दें। आपकी एक कॉल किसी भी लावारिस या इस्तेसाल का शिकार बच्चे के लिए मददगार साबित हो सकती है, उसकी ज़िंदगी को बदल सकती है। इसलिए हम एक तो ये अपील करेंगे कि कोई भी बच्चा ऐसा देखें तो हमारी जो हेल्पलाइन है, बार बार मैं बता रहा हूँ, 1121 पे इतला दें ताकि उस बच्चे की बहाली के लिए आपके दार अदा कर सकें। इसके साथ साथ कोई बच्चा अगर आपसे भीख मांगता है तो उसको भीख की शक्ल में पैसे हरगिज़ ना दें। अगर वो भीख के मांगे हुए पैसे उस बच्चे के ऊपर लग रहे होते तो वो 5 साल से एक ही इशारे पे क्यों भीख मांग रहा है? वो पैसे उसके ऊपर नहीं लगते, वो एक मजमूम कारोबार का एक किरदार है, हिस्सा है और उसको आला कार के तौर पे यूज़ किया जाता है, वो पैसे उसके ऊपर नहीं लगते। तो इसलिए आप उस बच्चे को खाने की कोई चीज़ दे दें, कोई और उसको खिलौना दे दें, लेकिन भीख के लिए किसी बच्चे को पैसे ना दें। जी नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए।